में से जितने भी बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं वो 100% क्रिकेट गेम लवर होंगे ही। आप में से काफी सारे बंदे आउटडोर या इंडोर क्रिकेट गेम खेलते होंगे। आउटडोर की बात बाद में कभी कर लेंगे, अभी बात करते हैं इंडोर की, यानी कि मोबाइल में क्रिकेट गेम खेलने की। अगर आपको मोबाइल में WCC3 और RC22 जैसे क्रिकेट गेम खेलने को मिले तो कौन इन गेम्स को खेलना पसंद नहीं करेगा? ऑफकोर्स सारे बंदे इन गेम को खेलना चाहते हैं, बट तुम लोगों के पास इतना अच्छा मोबाइल नहीं है जिससे कि तुम RC22 और WCC3 जैसे क्रिकेट गेम अपने मोबाइल में खेल सको। वैसे में गाइस तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते बचते हैं, पहले थोड़ी मेहनत करके कुछ पैसे कमाओ, गजब बेइज्जती है, और एक अच्छा मोबाइल खरीद लो। अगर मेहनत करने में जोर आता है तो इस वीडियो को देख लो, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ टॉप 5 बेस्ट क्रिकेट गेम फॉर लो एंड डिवाइसेस लाइक WCC3 एंड रियल क्रिकेट 22। हाँ, मैंने WCC3 और RC22 के जैसा बोला, इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं सीधे उनकी कॉपी ला के दे दूंगा, मतलब कि कुछ कुछ आपको रियल क्रिकेट 22 और WCC3 जैसे ही देखने को मिलेंगे ये गेम फीचर्स और ग्राफिक्स के मामले में। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, जल्दी से अगर वीडियो को लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो करना तो गाइज, अगर आपके मोबाइल में WCC2 गेम नहीं चलता है तो आप हमारे नंबर 5 वाले गेम को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इस गेम के ग्राफिक्स और फीचर सेम टू सेम आपको WCC2 के जैसे देखने को मिलने वाले हैं, और आप कह सकते हैं कि ये WCC2 की कार्बन कॉपी है। अच्छा इस गेम का नाम है WCC Lite और ये सिर्फ 60 MB में आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिल जाएगा। गेम के ग्राफिक्स आपको सेम टू सेम WCC2 के जैसे देखने को मिलने वाले हैं, बट थोड़ी सी लो क्वालिटी में। ऑफ कोर्स यार, अगर लाइट वर्जन है तो आपको गेम के ग्राफिक्स सेम टू सेम कैसे देखने को मिलेंगे, यानी कि थोड़ा सा तो उसमें चेंज होगा ही ना। अब बात करते हैं इस गेम में आने वाले फीचर्स की। इस गेम में बहुत सारे फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि किसी भी गेम के लाइट वर्जन में आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं। इस गेम में T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप, टेस्ट मैच, वर्ल्ड सीरीज और यहां तक मल्टीप्लेयर का फीचर भी आपको देखने को मिल जाता है। अब 60 MB में आपको WCC2 के ग्राफिक्स भी देखने को मिल रहे हैं, सारे फीचर्स भी देखने को मिल रहे हैं, तो इस गेम को तो आपको ट्राई करना ही चाहिए। और हाँ गाइस, ये गेम जो है मिनिमम 512 MB रैम में वर्क कर जाएगा। ट्राई करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस, क्या आप भी WCC3 गेम को अपने डिब्बे से मोबाइल में चलाना चाहते हैं? बट ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता, क्योंकि WCC3 गेम आपके डिब्बे वाले मोबाइल में बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। इस चीज का सोल्यूशन है हमारे नंबर 4th गेम में। इस गेम का नाम है बिग बैश क्रिकेट लीग और ये हूबहू आपको WCC3 के जैसा ही देखने को मिलता है। अच्छा, हूबहू तो नहीं, लेकिन आपको फिर भी WCC3 का एक्सपीरियंस इस गेम में हो जाएगा। चीटिंग करता है तू। गेम की साइज 150 MB है और ये गेम आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिल जाएगा। 150 MB है तो ये मत समझना कि ये लो एंड डिवाइसेज में वर्क नहीं करेगा, ये 1 GB रैम वाले डिवाइसेज में इजीली वर्क कर जाएगा। के बाद इस गेम में आने वाले फीचर्स की बात करें तो इस गेम में आपको बिग बैश लीग देखने को मिलेगी वुमेन्स और मेंस दोनों की। इसके साथ आप इसमें मल्टीप्लेयर एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। तो अगर आपका मोबाइल एक डिब्बा है तो आपको इस गेम को जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इस गेम के ग्राफिक्स आपको काफी ज्यादा कमाल के लगेंगे। गाइस, हमारे नंबर 3rd वाले गेम को जानने के बाद आपको थोड़ा सा शॉक लगेगा और आप शायद ये कहेंगे कि मैं आपको पागल बना रहा हूं, बट ऐसा है नहीं है, क्योंकि मैं पागल किसी को बनाता नहीं हूं, खुद पागल बन जाता हूं, लेकिन दूसरों को पागल नहीं बनाता हूं। अच्छा फिलहाल उस गेम का नाम मैं आपको बता देता हूँ। उस गेम का नाम है रियल क्रिकेट 20। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, रियल क्रिकेट 20 गेम को आप अपने लो एंड डिवाइसेस में इजीली खेल सकते हैं। ये गेम मिनिमम 1 GB रैम तक के डिवाइसेस में इजीली वर्क करता है विदाउट एनी लैग। बट इसके लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी, हमारे इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, तभी ये गेम आपके मोबाइल में चलेगा, वरना ये गेम नहीं चलेगा। तो आई होप कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, अब ये गेम आपके डिवाइस में इजीली वर्क कर जाएगा। ठीक है गाइस, जहाँ पर मैंने अपने एक 1 GB रैम वाले डिवाइस में इस गेम को प्ले किया और यहाँ पर वो एकदम स्मूथ इजीली वर्क कर रहा था, लेटेस्ट वर्जन, यानी कि अभी जो लेटेस्ट वर्जन है रियल क्रिकेट 20 का, वही वर्क कर रहा था मेरे 1 GB रैम वाले डिवाइस में। तो आई थिंक कि आपके मोबाइल में भी ये वर्क कर सकता है, और इसीलिए गाइस मैंने अपनी वीडियो में इस गेम को शामिल किया है। तो अगर आपका मोबाइल में 1 GB रैम का है तो आप इस गेम को जरूर ट्राई करना। अगर आपके मोबाइल में चलता है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर नहीं चलता है तो मुझे कमेंट करना, मैं आपके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आऊंगा इस गेम को प्ले करने की। फिलहाल बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। गाइस, अगर रियल क्रिकेट 20 आपके डिवाइस में वर्क नहीं करता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा नंबर 2nd वाला गेम आपके खटारे से खटारे वाले मोबाइल में भी वर्क करने वाला है, क्योंकि इस गेम की साइज है 35 MB और ये मिनिमम 512 MB रैम वाले डिवाइसेस में इजीली वर्क कर जाता है। इस गेम का नाम है रियल क्रिकेट गो और ये रियल क्रिकेट 20 का लाइट वर्जन है। गाइस, भले ये लाइट वर्जन है बट इस गेम के ग्राफिक्स जो है आपको सेम टू सेम रियल क्रिकेट 20 के जैसे देखने को मिलेंगे, यानी कि आपको कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे ग्राफिक्स के अंदर। आप बिल्कुल रियल क्रिकेट 20 के ग्राफिक्स इस गेम में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब अगर फीचर्स की बात करें तो आपको इसमें काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, बट बहुत सारे फीचर ऐसे हैं जो कि आपको इसमें देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे IPL को आप इस गेम में एंजॉय नहीं कर सकते। बाकी फीचर जैसे कि वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, टेस्ट मैच, इन फीचर्स को आप इस गेम में एंजॉय इजीली से कर सकते हैं। तो अगर आप इस गेम को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लेकिन उससे पहले हमारे नंबर 1st गेम को देखकर जरूर जाना। गाइस, अब तक जो मैं आपको गेम्स बता रहा था वो काफी ज्यादा पुराने गेम है और आप में से कई सारे लोगों ने उन गेम को पहले भी ट्राई किया होगा, बट गाइस आज की वीडियो का हमारा नंबर 1st गेम जो है वो एकदम नया क्रिकेट गेम है और ये 2022 में ही लॉन्च हुआ है, और तुम में से कई सारे लोगों ने इस गेम को अभी तक खेला नहीं होगा, मैं तो कहूंगा कि नाम भी नहीं सुना होगा। नहीं इस गेम का नाम काफी ज्यादा बड़ा है तो मैं बोलने नहीं वाला हूँ, इसलिए आप जो है वीडियो के अंदर देख लेना इसका नाम। अच्छा, लेकिन कुछ लोग जो है वो इस वीडियो को सोते सोते देख रहे हैं।
उनको मैं इस गेम का नाम बता देता हूँ। इस गेम का नाम है RVG T20 चैंपियंस क्रिकेट लाइट। अब जितना बड़ा इस गेम का नाम है उतने ही बड़े इस गेम के काम है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कहने का मतलब ये है कि इस गेम में आपको क्रिकेट गेम के सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जस्ट लाइक टेस्ट मैच, T20I, वन डे, मल्टीप्लेयर फीचर, और इसके अलावा जो है बाकी सारे टूर्नामेंट्स है वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। इस गेम की साइज जो है वो सिर्फ 74 MB है, और 74 MB में आपको इतने सारे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं तो कमाल की बात होगी। बट गाइस, तुम में से बहुत सारे लोग दिमाग लगा रहे होंगे कि भाई अगर 74 MB में इतने सारे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं तो इसका मतलब इस गेम के ग्राफिक जो है वो टट्टी होंगे। बात तो सही है बट ऐसा कुछ होने नहीं वाला है गाइस। इस गेम की ग्राफिक जो है वो काफी ज्यादा कमाल है। अगर आप इस गेम को पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो आपको इस गेम के खेलने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। ग्राफिक्स आप मेरी वीडियो की स्क्रीन पर देख ही सकते हैं किस टाइप के ग्राफिक्स है इस गेम के। और सबसे मेन बात जो कि मैंने पहले ही बता दी थी, ये गेम जो है वो 2022 में ही लॉन्च हुआ है, यानी कि बहुत कम लोगों ने इस गेम को ट्राई किया है। तो अगर आप भी इस गेम को ट्राई करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं कहूंगा कि भाई इस गेम को तो जरूर ट्राई करना, क्योंकि अगर आपने इस गेम को ट्राई नहीं किया तो इस वीडियो को देखना आपके लिए व्यर्थ जाएगा। वीडियो को छोड़कर जा रहे हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, और उसके बाद एक गेम को डाउनलोड करके ही इस वीडियो को छोड़ना। तुम्हें इन पांचों में से कौन सा गेम सबसे ज्यादा बेस्ट लगा है कमेंट में जरूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर लानी चाहिए मुझे वो भी मुझे कमेंट में बता देना। बाकी फिलहाल गाइस मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।